नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, सबसे पहले सुशांत मामले को लेकर ड्रग्स कनेक्शन की लपेट में एक के बाद एक किरदार जुड़ते जा रहे हैं। और इस मामले में फिलहाल जो बड़ा खुलासा वो ये कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया और उसके हवाले से ये पता चला है कि शौविक उस ड्रग पेडलर से संपर्क में था, उसी से ड्रग्स खरीदता था, खुद इस्तेमाल करता था। पहले ही इस मामले में एनसीबी दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब ऐसे में तीन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, ये तीसरा शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हो रही है। इसी के साथ ही रिया चक्रवर्ती की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्या है रिया की ड्रग्स कंपनी का सच? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सुशांत की मौत के मिस्ट्री में ईडी सीबीआई के बाद नारकोटिक्स की एंट्री करवा दी। और जब कड़ियां जुड़नी शुरू हुई तो एक एक कर चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सुशांत केस में रिया और उसके भाई के रिश्ते ड्रग पैडलरों से जुड़ते दिख रहे हैं। एनसीबी ने एक ड्रग पैडलर को पकड़ा और जब उससे पूछताछ की तो उसकी जुबान पर शौविक का नाम आ गया। इस ड्रग पैडलर से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की गई। इस पूछताछ में शौविक ही नहीं, रिया का नाम भी ड्रग से जुड़ता नजर आया। सबसे पहले जो सबसे बड़ा खुलासा है आज तक पर जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुंबई से जिस ड्रग पैडलर को पकड़ा गया है उसने पूछताछ में शौविक का नाम लिया है। ऐसे में जो रिया का भाई है शौविक, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और एनसीबी उसको पूछताछ के लिए बुला सकती है। वही ड्रग्स मामले में सीबीआई की जांच की एक कड़ी गोवा के होटल बिजनेसमैन गौरव आर्या तक पहुंची है, जिससे कल लगातार दूसरे दिन रिया से कनेक्शन और ड्रग्स को लेकर सवाल जवाब किए गए। ईडी गौरव आर्या से अब तक 17 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को जहां गौरव से 9 घंटे सवाल जवाब किए गए तो वहीं कल गौरव से 8 घंटे लंबी पूछताछ चली। ईडी ने गौरव आर्या के फोन की स्कैनिंग और क्लोनिंग की है, जिससे उसे ड्रग से जुड़े लोगों से संबंधों का खुलासा हो सकेगा। ईडी अब रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है, क्योंकि रिया और गौरव दोनों ये मान चुके हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि गौरव आर्या के वकील लगातार गौरव के ड्रग से जुड़े होने से इनकार कर रहे हैं। What do you want to say? For your client, sir? Sir, कुछ तो बताइए सर, क्या सर उन पर जो आरोप लग रहे हैं सर, उस पर क्या कहना आपके क्लाइंट है? They are all false. उधर आज तक के इंटरव्यू में ड्रग से इनकार करने वाली रिया सीबीआई के ड्रग से जुड़े सवालों पर आनाकानी करती नजर आ रही हैं। रिया ने सीबीआई से साफ कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। रिया के मुताबिक सुशांत उससे मिलने से पहले नशा करता था। जब रिया से ड्रग्स की चैट को लेकर सवाल किए गए तो रिया ने कहा कि ये उसके लिए नहीं थे। सूत्रों की माने तो रिया ड्रग्स के सवालों पर सीबीआई को सही से जवाब नहीं दे रही हैं। वहीं रिया के वकील ने भी ड्रग्स पर आज तक के सवालों पर चुप्पी साध ली। जो भी ड्रग्स के मामले में मैटर है वो हम आज आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। और उसी तरह मैंने आपको बोला है कि जो कुछ इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो रही है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज तक कुछ खुलासा हुआ नहीं है। सो डोंट आस्क मी अबाउट एनीथिंग अबाउट द ड्रग्स। रिया के दावों को श्रुति मोदी और जया शाह से मिलान किया जा रहा है। रिया की चैट में ड्रग्स को लेकर जितने लोगों का जिक्र था वो सब जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। दिव्येश सिंह और मनीष पांडे के साथ अरविंद झा, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई दिन रात एक किए हुए है। मौत से जुड़े हर पहलू को परखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो सीबीआई को सुशांत के मर्डर से जुड़े कोई ठोस सुराग नहीं मिले हैं। ऐसे में सीबीआई का फोकस अब आत्महत्या के एंगल पर ज्यादा है, जहां वो आत्महत्या की वजहों का पता लगाने में जुटी हुई है। आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई? हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी इस गुत्थी के पिछले 2.5 महीने से न जाने कितने एंगल सामने आए। सीबीआई लगातार मामले के हर पहलू को जांचने और परखने में लगी हुई है। आज तक कुछ सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सीबीआई अब आत्महत्या के एंगल पर फोकस कर रही है। सुशांत का मर्डर हुआ था, सीबीआई के पास अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं। सीबीआई ये पता लगा रही है कि क्या इसे सुसाइड के लिए उकसावे से जोड़ा जा सकता है। सीबीआई टीम के मुताबिक अब तक हत्या का मामला नहीं लग रहा है। आधिकारिक तौर पर हत्या के एंगल से सीबीआई की जांच जारी है।
अब सीबीआई को एम्स की फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट पर नजर। इस केस से जुड़े काफी लोगों से सीबीआई ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है, जो अब आत्महत्या पर ज्यादा फोकस है। अब तक सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, मुंबई पुलिस द्वारा इकट्ठा सारे सबूतों की जांच की और केस के हर संदिग्ध से पूछताछ कर ली है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, संदिग्धों का बयान या क्राइम सीन के रिक्रिएशन को देखें तो इनमें मिला कोई भी रिपोर्ट हत्या की ओर इशारा नहीं करते। हालांकि मर्डर के केस को आधिकारिक तौर पर बंद नहीं किया जा रहा है। सीबीआई अभी जिस नतीजे पर पहुंची है उस हिसाब से अभी तक सीबीआई को इस मामले में कत्ल का कोई सुराग नहीं मिला है। यानी सीबीआई इस मामले को फिलहाल खुदकुशी और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के नजरिए से ही देख रही है। हालांकि जांच अब भी जारी है। जांच के अगले पड़ाव पर अगर कभी कोई नए सबूत मिलते हैं, कोई नया गवाह सामने आता है तो उस हिसाब से भी जांच होगी। लेकिन 13 दिनों का लब्बो लवाब कुल मिलाकर अभी ये है कि सीबीआई की जांच में कत्ल के कोई सबूत नहीं मिले। सीबीआई के रडार पर पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती का परिवार है, क्योंकि रिया के माता पिता से आज एक बार फिर पूछताछ होने वाली है। वहीं शौविक से भी सवाल जवाब का दौर जारी है। कल रिया के माँ बाप से करीब 8 घंटे पूछताछ हुई, जहां सीबीआई के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट थी। क्या पता था कि रिया सुशांत के साथ रहती हैं? क्या सुशांत रिया के झगड़े की बात पता थी? आप कितने बार सुशांत से मिले? क्या रिया ने सुशांत की मानसिक बीमारी को लेकर बात की? क्या आपके और सुशांत के बीच पैसे का लेन देन हुआ? सुशांत के पैसों को लेकर रिया से बात हुई? सुशांत के पैसे खर्च करने को लेकर रिया शौविक से पूछा? क्या आपको सुशांत रिया शौविक के ड्रग्स लेने की जानकारी है? रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर तो उनके बीच कब कब झगड़ा हुआ, ये सारे सवाल रिया के माता पिता से सीबीआई ने किए। सीबीआई ने यह भी जानने की कोशिश की कि रिया शौविक और सुशांत ने जो कंपनी शुरू की थी उस कंपनी का एड्रेस, उनके घर का एड्रेस क्यों था, क्या सुशांत के पैसों पर उनकी नज़र थी। लेकिन सबसे मुश्किल सवाल इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती के लिए सीबीआई का वो सवाल था जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनकी बेटी ड्रग्स लेती है। रिया के परिवार के अलावा केस से जुड़े कुछ और लोगों को सीबीआई आज एक बार फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई सुशांत से जुड़े हर उस राज को बाहर निकालना चाहती है जिसका कोई भी कनेक्शन उसकी मौत से हो। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।